तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बिलासपुर से, जिस ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं। नड्डा साहब किस तरह से देखते हैं आप इन ओवरऑल चुनाव को? आइए मैं वोट डाल करके फिर आपसे बातचीत एक्सक्लूसिवली करूंगा जी। बिल्कुल, देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। जिस ढंग से सत्ता का महाकुंभ यानी लोकतंत्र का महापर्व जो है वो सजा हुआ है, और इस महापर्व का हिस्सा जगत प्रकाश नड्डा भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस ढंग से सीधे चुनाव की बागडोर संभाली और इस बागडोर के बाद अब अपना मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। जिस ढंग से परिवार पारिवारिक मेंबर जो हैं वो साथ में मौजूद हैं, परिवार के साथ ही वोट डालते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस चुनाव की बात करें तो काफी रोचक मुकाबला जो है इन चुनाव के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस ढंग से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी रिवाज बदलने के नारे के साथ चुनाव मैदान में है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के नारे के साथ चुनाव मैदान में है। इन नारों के बीच अब जनता को तय करना है कि जनता किसकी नीतियों से प्रभावित होती हुई नजर आती है। लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो हैं परिवार के साथ वोट डालते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर में ये पोलिंग बूथ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, स्पष्ट लफ्जों में कह रहे हैं कि काफी अच्छा चुनाव जा रहा है और काफी अच्छे चुनाव में किस तरह से विपक्ष की चुनौती को देखते हैं। अगर बातचीत करने की भी अगर कोशिश करें, सर एक कमेंट ले सकते हैं, सर चुनौती को किस तरह से देखते हैं? देखते हैं, प्लीज मैं वोट डाल के आया फिर आपके सब जवाब। बिल्कुल, देखिए वोट डालने के लिए जा रहे हैं जेपी नड्डा और उसके बाद बातचीत करते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से सत्ता का ये महापर्व सजा हुआ है और इस पर्व के बीच जो यहाँ की जनता है वो किसकी नीतियों से इस बार प्रभावित होती नजर आती है, और इस बार जो जीत का ताज है वो किसके सर पर सजता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनित कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, बिलासपुर। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बिलासपुर से, जिस ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं। नड्डा साहब किस तरह से देखते हैं आप इन ओवरऑल चुनाव को? आइए मैं वोट डाल करके फिर आपसे बातचीत एक्सक्लूसिवली करूंगा जी। बिल्कुल, देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। जिस ढंग से सत्ता का महाकुंभ यानी लोकतंत्र का महापर्व जो है वो सजा हुआ है, और इस महापर्व का हिस्सा जगत प्रकाश नड्डा भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस ढंग से सीधे चुनाव की बागडोर संभाली और इस बागडोर के बाद अब अपना मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। जिस ढंग से परिवार पारिवारिक मेंबर जो हैं वो साथ में मौजूद हैं, परिवार के साथ ही वोट डालते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस चुनाव की बात करें तो काफी रोचक मुकाबला जो है इन चुनाव के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस ढंग से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी रिवाज बदलने के नारे के साथ चुनाव मैदान में है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के नारे के साथ चुनाव मैदान में है। इन नारों के बीच अब जनता को तय करना है कि जनता किसकी नीतियों से प्रभावित होती हुई नजर आती है। लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो हैं परिवार के साथ वोट डालते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर में ये पोलिंग बूथ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, स्पष्ट लफ्जों में कह रहे हैं कि काफी अच्छा चुनाव जा रहा है और काफी अच्छे चुनाव में किस तरह से विपक्ष की चुनौती को देखते हैं। अगर बातचीत करने की भी अगर कोशिश करें, सर एक कमेंट ले सकते हैं, सर चुनौती को किस तरह से देखते हैं? देखते हैं, प्लीज मैं वोट डाल के आया फिर आपके सब जवाब। बिल्कुल, देखिए वोट डालने के लिए जा रहे हैं जेपी नड्डा और उसके बाद बातचीत करते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से सत्ता का ये महापर्व सजा हुआ है और इस पर्व के बीच जो यहाँ की जनता है वो किसकी नीतियों से इस बार प्रभावित होती नजर आती है, और इस बार जो जीत का ताज है वो किसके सर पर सजता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनित कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, बिलासपुर।